नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक टेस्ट। देखिए, आज के टेस्ट में टोटल 30 प्रश्न हैं और इन 30ों के आपको सही जवाब दे रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मतलब जितने भी प्रश्न इसमें है इस टेस्ट सीरीज में, सबका उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा। 5 सेकेंड में आपको इसका उत्तर बताना रहेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के नए मानवाधिकार प्रमुख के रूप में चुना गया है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है मिशेल बैचलेट, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तीसरा प्रश्न है, एशियाई गेम्स 2018 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है एशियाई गेम्स 2018 में भारत के ध्वजवाहक थे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा पूंजी बाजारों के माध्यम से फंड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई डील को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर लिखिए बताइए। तो देखिए, चौथे प्रश्न का विकल्प डी सही होगा। ये बैंक आपका हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और पांचवें प्रश्न का उत्तर बताइए। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व जैव संरक्षित क्षेत्र सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, पांचवें प्रश्न का विकल्प ए सही है, कंचनजंगा। और छठा प्रश्न है, हाल ही में नेपाल में किस स्थान पर भारत नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर लिख बताइए। तो देखिए, ये प्लेस है वीरगंज। नेपाल के वीरगंज में जो है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है हाल ही में। और सातवें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है? देखिए, राम सेवक शर्मा जो है इनको चुना गया है ट्राई के चेयरमैन के रूप में। और आठवां प्रश्न है, बीबीसी इतिहास पत्रिका सर्वेक्षण में पाठकों के मतानुसार विश्व के इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? तो इसका उत्तर लिस्ट बताइए। तो देखिए, इनका नाम है मैरी क्यूरी, यानी कि विकल्प बी सही होगा आठवें प्रश्न का। और देखिए, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने आज जो है 30 में से कितने नंबर स्कोर किए, ठीक है। तो देखिए, नवा प्रश्न आपके लिए है। और देखिए, एक चीज़ और, आपको जो है वीडियो को लाइक जरूर करना है, तो इसको लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई? तो इसका उत्तर लिस्ट बताइए। तो देखिए, ये प्लेस आपका है काठमांडू। यहाँ पर जो है बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। और दसवें प्रश्न का उत्तर बताना आपको। दसवां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वयं नामक परियोजना शुरू की गई है? तो इसका उत्तर बताइए। देखिए, स्वयं नामक परियोजना जो है ये स्टार्ट की गई है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने इंटरनेशनल जियोग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप जीता है? देखिए, इसका सही उत्तर है अवी गोयल, ठीक है। इन्होंने इंटरनेशनल जियोग्राफी बी विश्व चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, और ये एक भारतीय अमेरिकी छात्र हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने कोलंबिया के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली? तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए।
देखिए इनका नाम है इवान ड्यूक, ठीक है। इवान ड्यूक जो है इन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। 13वां प्रश्न है, 15 अगस्त 2018 को किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हाल ही में, तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 72वां, ठीक है, यानी कि विकल्प सी सही होगा, ठीक है। इस बार जो है 15 अगस्त को 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 14वें प्रश्न का उत्तर बताइए। 14वां प्रश्न है, हाल ही में बलराम दास टंडन का निधन हो गया, ये किस राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए बलराम दास टंडन जो है ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, ठीक है, और इनका इनके कार्यकाल के समय में ही निधन हो गया है। और 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गोल्फर एशियाई टूर पर खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर बन गए हैं। तो देखिए इनका नाम है विराज मदप्पा, ठीक है, ये जो है सबसे कम उम्र के जो है एशियाई टूर पर खिताब जीतने वाले भारतीय गोल्फर बन गए, ठीक है। और 16 प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 16 प्रश्न है, जनवरी 2019 में लॉन्च होने वाले मिशन चंद्रयान 2 को क्या नाम दिया गया है। देखिए इसको नाम दिया गया है विक्रम, ठीक है, और जो आपके इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, इनके नाम पर ही इसको विक्रम नाम दिया गया है। और 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 17वां प्रश्न है, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इनका नाम है आशीष कुमार भूटानी, ठीक है, आशीष कुमार भूटानी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। 18वें का उत्तर बताइए। 18वां प्रश्न है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी स्टेशनों की सफाई रैंकिंग सर्वे में भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर है। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन आपका है राजस्थान का जोधपुर रेलवे स्टेशन, यानी कि विकल्प डी सही होगा। 19वें प्रश्न का उत्तर बताइए। 19वां प्रश्न है, हाल ही में कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और हुरुन द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो देखिए भारत की जो सबसे अमीर महिला, इनका नाम है स्मिता कृष्णा कोदरे, ठीक है। और 20वां प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 20वां प्रश्न है, ब्रिटेन स्थित ऑनलाइन मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म UGOV द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किसे देश का सबसे बड़ा देशभक्ति ब्रांड माना जाता है। तो देखिए यह है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भारत का सबसे बड़ा देशभक्ति ब्रांड माना जाता है, ऐसा कहा है UGOV द्वारा किए गए सर्वेक्षण में। और 21वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 21वां प्रश्न है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए ये दिया गया है जो आपकी मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल उनको, ठीक है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए इनका नाम है अक्षय कुमार, ठीक है। और 23वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किसे और 23वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किसे नवनिर्मित दक्षिण पश्चिम एशियाई फुटबॉल महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है सुब्रत दत्ता, ठीक है, यानी कि विकल्प ए सही होगा। 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
देखिए ये व्यक्ति हैं एस श्रीनिवास, इनको चुना गया है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का चेयरमैन। और 25वां प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो इसका उत्तर लिख बताइए। देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये मॉरिशस में आयोजित किया गया, ठीक है याद रखना आपको। 26वें प्रश्न का उत्तर बताइए, 26वां प्रश्न है मेरी 51 कविताएं किसका काव्य संग्रह है। देखिए ये काव्य संग्रह है अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है, यानी कि विकल्प डी सही होगा। हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इनकी इनके काव्य संग्रह है मेरी 51 कविताएं। 27वां प्रश्न है, हाल ही में किसी मेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च में अल्बानी मेडिकल सेंटर पुरस्कार 2018 का विजेता घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर बताइए। तो देखिए इनका नाम है जेम्स एलिसन, कार्ल जून और स्टीवन रोसेनबर्ग, इन तीनों को जो है सामूहिक रूप से अल्बानी मेडिकल सेंटर पुरस्कार 2018 दिया गया, ठीक है। 28वें प्रश्न का उत्तर बताइए, 28वां प्रश्न है हाल ही में किस देश में 24वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलासफी आयोजित किया गया। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा चाइना, चाइना के बीजिंग में जो है हाल ही में अभी 24वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलासफी आयोजित किया गया है। 29वां प्रश्न का सही उत्तर बताइए, 29वां प्रश्न है हाल ही में भारत के कृषि मंत्रालय ने 2019 को कौन सा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन को प्रस्ताव भेजा है। तो देखिए इस प्रश्न का विकल्प ए सही होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और तीसरा तथा आखिरी प्रश्न है, भारत द्वारा अफगानिस्तान में किस डैम को बनाए जाने में सहायता प्रदान करने की घोषणा का पाकिस्तान विरोध कर रही है, तो इसका उत्तर लिख बताइए। तो देखिए इस डैम यानी कि इस बांध का नाम है सत्तू डैम, ठीक है, और इसके बारे में मैंने डेली करेंट अफेयर सेशन में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो आज का ये करेंट अफेयर का साप्ताहिक टेस्ट यहीं समाप्त होता है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे साप्ताहिक टेस्ट के साथ। तो आप जो है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस टेस्ट को दे सकें, ठीक है। और एक चीज़ और, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिएगा।